नमस्कार, मैं हूं ओम वर्मा, फाउंडर सत्यमेव जयते। यूएसए से छत्तीसगढ़ के बाद अब हम पहुंचे हैं हरिद्वार में। मैडम अपना परिचय दीजिए। नमस्कार। नमस्ते सर, मैं अंजलि आर्या असिस्टेंट टीचर हूँ सर। मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में, और मेरा जो रेजिडेंस है वो उत्तराखंड के हरिद्वार में है सर। ओके मैडम, आप कब से टीचर हैं? सर मैं 2009 से जॉब में हूँ टीचिंग आपकी डिपार्टमेंट में। क्वालिफिकेशन क्या है मैडम? सर मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से किया है, एमफिल बायोटेक से किया है, एमफिल इन एजुकेशन से किया है, और एमबीए एचआर से है सर मैं। आप मुझे बता सकती हैं कि बीइंग एज ए टीचर आज तक आपने कौन सा ऐसा काम किया है जो आपको लगता है कि उसका बच्चों को डायरेक्टली फायदा हुआ है? सर मुझे लगता है कि बच्चों के साथ जब हम थोड़ा सा कांटेक्ट में रहते हैं तो वो वहां से निकलने के बाद भी आपके साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो घर में बच्चियों को बिठा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको एजुकेशन कंटिन्यू करानी चाहिए। उन्हें समझाया कि बच्चियों को पढ़ाना है और मैंने उनका एडमिशन कराया, और अब वो लड़कियां जो हैं स्कूल जाती हैं। बहुत सारे टीचर्स बच्चों के घर में जाके उनका एडमिशन फॉर्म भर के उनके पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजो। मैं कोई जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जानना चाहता हूं, आपने और क्या किया इन चीजों के अलावा? छात्र जो होते हैं ना, जो हमारे स्कूल से पास आउट बच्चे हैं, उन लोगों का मैंने डिग्री कॉलेज में एडमिशन करवाया है। अभी भी मेरे, क्योंकि मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, तो उनके पेरेंट्स मेरे से संपर्क में रहते हैं, तो ये मुझे लगता है कि क्वालिफिकेशन भले ही मैं यहाँ पे बेसिक में टीचर हूँ, लेकिन उसका, मेरी एजुकेशन का जो बेनिफिट है वो बच्चों के साथ जा रहा है। हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं, बहुत ही ज्यादा पुअर फैमिली को, मतलब उनके यहाँ खाने का थोड़ा सा भी नहीं है हिसाब किताब। तो मैं उन बच्चों को खुद के खर्चे से, मैं अपने खर्चे से उन बच्चों का जो है, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ बुक्स देती है, तो मैंने उनको अडॉप्ट किया हुआ है उन बच्चों को, और उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा सर मैं उठाती हूँ। वेरी नाइस। कितने बच्चे अडॉप्ट किए हैं आपने? चार बच्चे हैं मेरे पास ऐसे जिनको मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, और सिर्फ मेरे ये वाले बच्चे नहीं सर, जो मेरे स्कूल पास आउट भी हो चुके हैं उनमें से नहीं, भी हम दो उनके बच्चियां बारे हैं में बात नहीं करना चाहते, हम जो आज आप सर। कर रही इनमें हैं चार वो जानना चाहते हैं। बच्चे ऐसे हैं सर जिन्हें मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। जब आप कहते हैं अडॉप्ट किया हुआ, व्हाट इज द मीनिंग अडॉप्शन में क्या करते हैं आप? सर उनका जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड खर्चा है, उनकी बुक्स तो हमें गवर्नमेंट से मिल रही है, लेकिन उनका स्टेशनरी का खर्चा, उनकी जितनी भी स्टेशनरी है या ड्रेस वगैरह का तो हमारा गवर्नमेंट की साइड से है, लेकिन स्टेशनरी का जितना भी खर्चा है उनका, वो मैं अपना पर्सनली उनके ऊपर खर्च करती हूँ। तो आप बच्चों को स्टेशनरी प्रोवाइड करती हैं अपनी तरफ से? जी सर। आई गॉट यू, आई गॉट यू। आपके कितने बच्चे हैं मैडम? सर मेरा एक बेटा है। सरकारी स्कूल में पढ़ता है? नहीं सर, प्राइवेट स्कूल में। सर क्या कारण है, प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ता है? मेरे जो आसपास स्कूल हैं उत्तराखंड में, वो मेरे घर के पास कोई भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। अंजलि, हाँ थैंक यू जी सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर।